रोशन जो दिखाया है वो रियल ऐसा लगता है कि वो एयरफोर्स का ही आदमी है। तो जो मुद्दा है वो कॉमन है, मतलब देशभक्ति को, लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन है, पहली बार एयरफोर्स के जरिए देशभक्ति को प्रेजेंट किया गया बड़े पर्दे पर सिद्ध ने, तो बहुत 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 अमेजिंग ट्रीटमेंट है। डांस वांस वो प्लस एज एन एक्शन हीरो बहुत ही अच्छा कमाल किया उन्होंने, अच्छी लगी फिल्म फाइनली। गाने अच्छे हैं और लास्ट सॉन्ग बहुत बढ़िया है। फाइटर और रियल में फाइटर ही है, ये कहूँगी कि ऋतिक रोशन जो दिखाया है वो रियल ऐसा लगता है कि वो एयरफोर्स का ही आदमी है। उसका जो मेकअप है और उसकी जो एक्टिंग है, कोई नहीं मानेगा कि किसी एक्टर ने काम किया है, तो बहुत ही अच्छा उसका काम है। और दूसरी बात, पिक्चर मुझे इसलिए अच्छी लगी कि आम जनता को ये पता होना चाहिए कि एयरफोर्स वाले लोग क्या करते हैं। वो हमारे देश के लिए जान दे रहे हैं, एकदम दिलो जान से लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो हमें ये देखना चाहिए ना, इसे देश प्रेम भी बढ़ता है। अब मैं तो अभी बहुत बड़ी हूँ, हम लोग बचपन में जब मनोज कुमार की सब पिक्चर देखते थे तो याद करते थे, हाँ देश है, अपना देश है, और उसके लिए मैं अभी भी देश प्रेम की सभी पिक्चरें देखती हूँ। उस तरह इसमें भी ये दिखाएंगे पब्लिक को तो बहुत अच्छा है। फिल्म इज़ अ फैबुलस। ये कंपैरिजन करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी दिग्गज कलाकार है उसमें, एवरग्रीन है, और ना सिर्फ एक्टर जो पर्दे पे दिखाई दिए वो भी, और जो पर्दे के पीछे है पूरी टीम ने अपना 100% दिया है। और अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट जो मुद्दा है वो कॉमन है, मतलब देशभक्ति को, लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन है, पहली बार एयरफोर्स के जरिए देशभक्ति को प्रेजेंट किया गया बड़े पर्दे पर सिद्ध ने, तो बहुत 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 अमेजिंग ट्रीटमेंट है। अगर कहीं मुझे अगर कुछ माइनस लगा तो सिर्फ उसका म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक इतना लो है कि हम उसके ज़रिए रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते कि अच्छा ये फाइटर का म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक की वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। अदरवाइज़ ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री, इट्स अ किलर केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। 3.5। फाइटर देख के आ रहा हूँ सर अभी। फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे एज अ फाइटर, क्योंकि मैं इस फिल्म को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था देखने के लिए, फाइनली फिल्म को आज देख लिया मुझे। और कहते ना एज मूवी के अंदर में दीपिका सर हैं और ऋतिक सर, तो बहुत ही परफेक्ट जोड़ी थी, बहुत ही अच्छा उनका रोमांस, केमिस्ट्री, और एज अ फाइटर बहुत ही अच्छी फिल्म लगी मुझे। ऋतिक सर की एक्टिंग ऑफकोर्स वो अगर है तो डेफिनेट डांस वांस वो प्लस एज एन एक्शन हीरो बहुत ही अच्छा कमाल किया उन्होंने, अच्छी लगी फिल्म फाइनली। अनिल जी के सर ऑफकोर्स सीनियर एक्टर हैं, डेफिनेट अच्छी अच्छा काम किया उन्होंने, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे अच्छे थे उनके, उनका कैरेक्टर अच्छा दिया गया, और मुकेश छावड़ा जी ने कास्टिंग किए तो अच्छा पूरा एक कास्ट को जमाया, एक अच्छी कास्टिंग की है कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते। कितना स्टार देना चाहूँगा सर? मैं 5 में से पूरे 5 दूंगा, क्योंकि देश के लिए फिल्म है तो ऑफकोर्स एक भी रेटिंग कम नहीं करूँगा। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? अच्छी एक्शन मूवी है, चलेगी बहुत। किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी आपको? ऋतिक रोशन। अनिल कपूर की सपोर्टिंग रोल में अच्छा है। क्या हमें सब सीखने मिला पिक्चर से? पिक्चर से क्या सीखने मिला? ये देशभक्ति की फिल्म है, फाइटिंग की पिक्चर है, तो अच्छी भी लगी है सर। कितना स्टार देना चाहोगे आप? 5 में से 4। गाने अच्छे हैं और लास्ट सॉन्ग बहुत बढ़िया है इसके जैसा। थैंक यू सर। एक नंबर है मूवी सर। किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी? अनिल कपूर और ऋतिक रोशन दोनों की एक्टिंग जबरदस्त है। क्या अच्छा लगा पिक्चर में? इंटरवल के बाद एकदम जबरदस्त सीन है। कितना स्टार देना चाहोगे? 5 में से 5 स्टार दूंगा मैं।